सो हे गाइस न्यूज बॉयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आपको पता होगा एक दिन पहले जो शमशेरा मूवी रिलीज हो चुका है, बहुत सारे लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं। तो लक्ष्य चौधरी भी एक ट्वीट किए थे, इफ शमशेरा वाज ए साउथ इंडियन फिल्म आधी जनता पागल हो जाती इसकी तारीफ करने में, इट्स ए ग्रेट मूवी है फुल पैक। यस, मैं भी कल कॉमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। वाणी कपूर का कैरेक्टर को लेकर जो है लोग थोड़ा सा बोल रहे थे, बाकी सारी चीजें उनको ठीक लगा मैक्सिमम लोगों। तो चलिए अब अगले अपडेट के बारे में, कैरे मिनाटी के बारे में। तो आपको पता होगा कैरे मिनाटी का न्यू वीडियो बहुत टाइम से आया नहीं, वो बताए थे उनका से रोस्टिंग वीडियो आने वाला है, लेकिन बहुत टाइम से उनका वीडियो नहीं आया। इसके बारे में अपडेट देते हुए यहाँ पर दीपक चार कुछ कहे, मतलब Q&A कर रहे थे वो, तो किसी ने उनसे पूछा वीडियो अपडेट्स भैया, तो उसका वो कहे भाई लगा पड़ा है हमारा जल्द आएगी। फिर किसी ने पूछा था नेक्स्ट वीडियो के थोड़ी सी हिंट्स प्लीज, तो उसका वो रिप्लाई किया रोस्ट वीडियो है, मतलब कि रोस्ट आने वाला है। और जो स्किट वीडियोस का भी किसी ने अपडेट मांगा था, तो वो कहे थोड़ा सा डिले हो गया कॉज अजय स्टिल इन स्क्रिप्टिंग मोड, ही रॉट अ बिट ऑफ इट बट डिड नॉट लाइक सो मच, सो ही इज वर्किंग मोर ऑन इट, ही विल रीशूट ऑन इट पोस्ट द अपकमिंग रोस्ट वीडियो रिलीज। मतलब उन्होंने कुछ लिखा था जो कि उनको पसंद नहीं आया, तो फिर से उस पे वो काम करेंगे लेकिन उनका रोस्ट वीडियो आने के बाद। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, आपसे स्ले पॉइंट के बारे में। तो स्ले पॉइंट ने एक वीडियो अपलोड किया था, बेसिकली एक रील्स अपने इंस्टाग्राम पर, वैसा ही टाइप का जो लक्ष्य चौधरी भी अपलोड कर रहे हैं। मैं क्लिप दिखाता हूं लेकिन वो म्यूजिक में प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। लक्ष्य चौधरी का भी दिखाऊंगा एंड स्ले पॉइंट का भी, आप देखिए। प्यार में धोखे खा खा के पेट भर लिया भैया, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप? भैया आज रोटी खिला दो, अपनों से धोखे तो बहुत खा लिए। तो यहाँ पर ना एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है सैजी खान करके, जो कि इंस्टाग्राम पे वैसे टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं, उन्होंने जो उस सीरीज का नाम ब्रोकन रखा है, उसके उन्होंने काफी सारे एपिसोड्स अपलोड किए रील्स में। यस, मैं आपको उनका भी एक दिखाता हूँ, आप देखिए। भाई जोड़ा बनवाना है भाई जान, आपको कौन सा जोड़ा बनवाना है, लॉन्ग पीस, टू पीस, थ्री पीस? क्या उसका और मेरा जोड़ा बन सकता है? तो ना स्ले पॉइंट का जो रील्स अपलोड किया था रिसेंटली, उसी रील्स में जो है सैजी खान भी कमेंट किए, वो लिखे भाई कुछ तो ओरिजिनल कर लो, ये थर्ड टाइम है तुम लोग हमेशा आइडियाज फॉर्मेट एनीथिंग कॉपीड फ्रॉम मी। बेसिकली यहाँ पे वो स्ले पॉइंट को कहेगा तुमने मेरा आइडिया को कॉपी किया, फॉर्मेट भी कॉपी किया, ये स्ले पॉइंट के रील्स में वो रिप्लाई किया। सो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? वहाँ पे मैं रिप्लाईज वगैरह देख रहा था उस कमेंट में, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हाँ आपका ये आइडिया था। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय मिथपैट एंड उर्मिला के बारे में। तो आपको पता होगा मैंने कल कवर कर चुका हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स रिएक्ट कर चुके हैं के ऊपर। तो ना मतलब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि वो दोनों से भाई बहन है, वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी लगा था, मुझे भी लगा था। तो स्ले पॉइंट के अभ्युदय कमेंट किए थे, उसी कमेंट को जो है मिथपैट अपने स्टोरी में पोस्ट किया एंड लिखे किसको लगा है मेरी बहन थी। एंड आप देख सकते हो वहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पे सिलेक्ट किया, तो मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो दोनों जो है भाई बहन थे। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय राउंड 12 के बारे में। तो राउंड 12 काफी ज्यादा गुस्सा है यूट्यूब इंडिया से। यस, क्यों मैं आपको बताता हूं, वो एक स्टोरी पोस्ट किए, यू टेल अस वेदर वी शुड अपलोड आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब और नॉट, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड आफ्टर दैट वी गेट द येलो साइन दैट इज इक्वल demonetized. Due to this, we are incurring a lot of loss. It seems the hard work is going in vain. We understand the terms and policy on vulgarity or vulgar language, but we can't change the blood color and you know a proper video needs action drama and so use of blood. Every creator facing this issue. Basically, उनके videos में जो bloods वगैरह दिखाते हैं ना वो, जो कि of course fake होते हैं, लेकिन उसके वजह से उनका video जो demonetize होता है। और शायद से गाली वगैरह की वजह से भी, क्योंकि उनके videos में आपको पता होगा गाली वगैरह होता है। इन यहाँ पे वो बताए उनको जो है terms and policy on vulgarity और vulgar language उसके बारे में उनको पता है, बट वो जो ब्लड कलर वाला सीन है उसको वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज एक्शन ड्रामा में जरूरी है एंड बहुत सारे क्रिएटर्स फेस कर रहे हैं ये सब चीजें। एंड जैसे कि यहाँ पे वो बताए उन सब चीजों के वजह से उनका वीडियो डीमोनेटाइज होता है, मतलब इनकम एकदम ना के बराबर, उससे रीच वगैरह भी कम हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा खर्च वगैरह करते हैं वीडियोस वगैरह बनाने में, येलो डॉलर होता है, देन फिर वो लॉस में चले जाते हैं। ऑफकोर्स आई होप यार यूट्यूब जो इस चीज को जल्दी से जल्दी फिक्स करे। चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय अशोक LLB के बारे में। ये अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और जो इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी आउट हुआ है, जहाँ पे अपने वीडियो में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला के डेथ में जो है इनका भी हाथ है ऐसा बताया जाता है, तो उन्होंने जो उनको धमकी दिया जान से मारने का। यस, वो लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपए अगर तुम नहीं दिए तो तुम मारे जाओगे ऐसा टाइप का। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाया तो आप देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको ये मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे 18 जुलाई को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं, भाई ने कहा है कि तुझसे 5 लाख रुपए नहीं दिया तो सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा। ये आप देख सकते हैं, उसने एक तस्वीर भी मुझे भेजी है,
डराने के लिए। आगे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको एक वॉइस छोड़ी कि भाई मैं ये करूँगा, कानूनी कार्रवाई तेरे खिलाफ़ मैं करूँगा। तो इसने बहुत सारा टेक्स्ट मैसेज मुझे डाला है, तेरा ऑफिस कहाँ पे जानता हूँ, तो अभी तू मेरे को नहीं जानता, मुझे पता नहीं, फ़ोन रिकॉर्ड होता है। मैंने हालांकि इसको फ़ोन किया तो इसने फ़ोन उठाया नहीं, मेरा रिसीव नहीं किया, इसलिए बात लिखी है, पता नहीं फ़ोन रिकॉर्ड होता है, अकेला हूँ भाई, जो चाहेगा ना अभी उसी दिन उसको दिया, तेरे क्या औकात, धमकी मत दे, तू देगा नहीं देगा, बस ये जानना चाहता हूँ, यानी पैसा देगा या नहीं देगा ये जानना चाहता हूँ, और मेरा बाल भी पंखा उखाड़ नहीं सकते, तेरी हालत ख़राब कर सकता हूँ, ये तुझे पता नहीं, तुझे दुनिया से भी अलविदा कर सकता हूँ। 386 का एक्ट यानी उसके ऊपर धारा लगी है जो मारने की धमकी देकर पैसा वसूलता है। जी हाँ, उसमें लगभग 7 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय एलविश यादव के बारे में। आपको पता होगा एलविश यादव एंड कृति मेहरा के बीच में तो ब्रेकअप हो चुका है, तो रिसेंट वो अपने व्लॉग में ना अपने गर्लफ्रेंड से रिलेटेड बात किए, मतलब बहुत सारे लोग उनको पूछते रहते होंगे शायद से, तो इसके बारे में वो क्या कहे आप खुद देखिए। भाई पब्लिक को कंफ्यूजन रहती है कि एलविश भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, कैसी है, मतलब एक इस सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं यार कोई, भाई कुछ नहीं रखा यार गर्लफ्रेंड में, अपने अरेंज मैरिज करो और मौज लो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय रोहित खत्री के बारे में। तो रोहित खत्री आपको पता होगा फिटनेस यूट्यूबर है, तो फोर्ब्स के एक मैगजीन में जो है इनको फीचर किया गया, एंड ही इज द ओनली फिटनेस यूट्यूबर टू बी फीचर्ड ऑन फोर्ब्स मैगजीन। यस, इसके ऊपर वो रिएक्ट भी किया, आप देखिए। तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत तगड़ी न्यूज है, 3 दिन से मेरी वाइफ एक मैगजीन को ढूंढने पे लगी हुई थी, वो मैगजीन फाइनली मिल गई है, और उस मैगजीन में कुछ स्पेशल है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है भाई वो मैगजीन फोर्ब्स इंडिया की, और फोर्ब्स इंडिया में तुम्हारा भाई पहला इंडियन फिटनेस क्रिएटर है जिसको फोर्ब्स इंडिया ने फीचर किया है। ये रहा भाई तुम्हारा भाई रोहित खत्री, और दिल से बहुत सारा प्यार, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए Love you all। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय RVCJ मीडिया के बारे में ये एक ट्वीट किए थे, आप देख सकते हो। Will esports overtake non-cricket sports in India soon? Reply with yes or no। मतलब कि क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स है ना, क्या उसको esports overtake कर पाएगा, ऐसा वो पूछे। तो उसके नीचे बहुत सारा लोगों का कहना था कि yes कर पाएगा, बहुत सारा लोगों का कहना था कि नहीं कर पाएगा। एक कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब हॉकी फुटबॉल की तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, नेवर, मैक्स टू मैक्स 200 के पीपल वॉच BGMI लाइव टूर्नामेंट एंड 70,000 पीपल इन कोची स्टेडियम वॉच देयर ISL गेम अलोन। तो उसका किसी ने रिप्लाई किया, 200 के पीपल रियली, छोटी प्रैक्टिस मैच को भी 300K प्लस वाचिंग होती है। एक ने लिखा था, नो इट विल नेवर टेक ओवर फुटबॉल एंड कबड्डी। यस, आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर से बताना, क्या ई स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को हरा देगी। अगले अपडेट के बारे में, अक्षय फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, पायल जोन का थीम सॉन्ग जो कि वो बताए थे कुछ टाइम पहले वो लाने वाले, वो अपलोड कर दिए। थीम से ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट लग रहा था, अगर आप लोग देखना चाहते हो वो डिस्ट्रैक्ट तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर जो है पायल जोन भी रिप्लाई कर दिया, मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आप देखिए। शुरू में टीचर साइकोलॉजी एंड लाइफ, फिर फाइनेंशियल वीडियोस और फेक एडवाइस, करियर था खत्म पूरा डेड, करियर एंड था, तो मैंने इन लोगों को रोस्ट करना चालू किया। अरे अपना करियर देखो, मैंने जितना किया है ना अपने दम पे किया है, चाहे मैंने पढ़ाई की वीडियो बनाई है, चाहे मैंने एडवाइस देने की वीडियो बनाई है, कुछ भी बनाई ना, अकेले बनाई है, अपने दम पे बनाई है, कोई गॉड फादर नहीं था मेरा तुम लोगों की तरह। ठीक है, तुम्हारा खुद का चैनल दूसरों के नाम पे चलता है, तुम खुद मेरे को वीडियो बना बना के व्यूज लेते हो, तुम खुद ट्रिगर्ड इंसान ने तुम्हें प्रपोर्ट किया इसलिए तुम आज यहाँ पे हो, तुम खुद को तो देखो, तुम्हारा गॉड फादर है यूट्यूब पर इसलिए तुम आज यहाँ तक पहुंच पाए हो, वरना यहाँ तक भी नहीं आते आप फुकरा इंसान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब यहाँ तक भी नहीं आते, आपके 3 मिलियन क्या 1 मिलियन भी नहीं होते। तो अपने ऊपर इतना घमंड मत करो हम जैसे लोगों के लिए कि भाई हमने जो कुछ किया ना अपने दम पे किया है, कोई गॉड फादर नहीं था, हमारे बड़े भाई का चैनल नहीं था यूट्यूब पे, हमारी दीदी का चैनल नहीं था जिसने हमें प्रमोट कर दिया, जो भी किया अपने दम पे किया है, खुद से किया है। अब बहुत गर्व से बोलती हूँ मैं ये बात, जो कि आप अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय अमित भड़ाना के बारे में। तो आपको पता होगा अमित भड़ाना के सेकंड चैनल पर जो है उन्होंने अपना फिल्म पगल से रिलेटेड 2 सॉन्ग्स अपलोड कर दिया, तो उनका थर्ड सॉन्ग आज आ रहा है। यस, वो लिखे आज रोमांटिक माहौल, ट्रैक नंबर 3 पगल से, तो उनके सेकंड चैनल पर ही अपलोड होगा शायद से, एंड जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगर तब तक आ चुका होगा देन फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई थिंक ये पहला रोमांटिक सॉन्ग है अमित भड़ाना का। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।